फैंस का इंतजार हो गया है खत्म, आ गया है दिन मुकाबले का। जी हाँ, आज खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वो महामुकाबला जिसके लिए फैंस टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे। जब आखिरी बार से भिड़े थे इंडिया और पाकिस्तान तो भारत को मिला था करारी हार। तो आज इंडिया चाहेगी कि पुराने जख्मों का किया जाए हिसाब, वहीं पाकिस्तान चाहेगी कि अपने विजय रथ को जारी रखे और फिर से अपने फैंस को खुश करे। तो बात करें दोनों टीमों की तो देखिए भैया, सीधा सा कंपैरिजन है। भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि इंडिया ने किया है प्रिपरेशन। वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी उससे बहुत सारा कुछ सीखा है और 2022 में 21 T20 मुकाबला खेला है और बायलैटरल सीरीज में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे सारी टीमों को हराया है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 मैच मुकाबला खेला है 2022 में, तो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान टीम की। तो यहाँ पर इंडिया को एडवांटेज मिलता दिख रहा है। बात करें बैटिंग अटैक की तो इंडिया की बैटिंग बहुत खतरनाक लग रही है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है इंडियन स्क्वाड में, चाहे टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो या फिनिशिंग की बात करें, बैटिंग लाइन तो सॉलिड है इंडिया की। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो टॉप 3 बैट्समैन लाजवाब है जिसमें बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान है, पर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुए तो मिडिल ऑर्डर में कुछ खास बल्लेबाजी नजर नहीं आती। तो इस लिहाज से भी इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। बात करें बॉलिंग की तो दोनों टीमों का बॉलिंग इक्वली दिख रहा है। शाहीन अफरीदी के ना होने से पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी फीकी नजर आ रही है। वह इंडिया की बॉलिंग की अगुवाई भुवनेश्वर कुमार करेंगे जो स्विंग अच्छा करते हैं, वहीं युजवेंद्र चहल के ऊपर भी काफी दारोमदार होगा। अगर सक्सेस मंत्र की बात करें तो पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन भेजना होगा इंडियन बॉलर्स को। भुवनेश्वर कुमार का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 बल्लेबाज पर। स्टैट्स की बात करें तो एशिया कप में टीम इंडिया अभी विनिंग स्ट्रीक में चल रही है। आखिरी 3 मुकाबले में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, तो टीम इंडिया की विनिंग स्ट्रीक है विन 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 और इंडिया चाहेगी कि चौथा विनिंग स्ट्रीक भी लगाए। अंत में बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन की तो यहाँ इंडियन टीम काफी स्ट्रांग दिख रही है और विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान को जीतना है तो कुछ मैजिकल करना होगा बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, वरना पाकिस्तान ये मैच हारता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा यह मुकाबला, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।